वैसे तो इस चैनल पे मैंने बहुत समय से लॉन्ग वीडियो नहीं डाले हैं, मगर इस बार न्यूज़ ही इतना खतरनाक है कि आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो मुझे खुद सुपर हीरो फैन बोलते हुए अपने आप को शर्म आएगा। तो भाई लोग, न्यूज़ कुछ ऐसा है कि जो हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन थे, अब वो MCU में रिटर्न करने वाले हैं। अब ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाले आयरन मैन किस मूवी में MCU में वापस आने वाले हैं, वो सभी कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो मुझे आपको कुछ और भी बताना था कि अगर आपको मेरी लॉन्ग कंटेंट पसंद आते हैं तो मैं अपना लॉन्ग कंटेंट AS2 का रिव्यू नाम के चैनल पर डालता हूँ, जो कि मेरा ही चैनल है। चलिए बात करते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन के रिटर्न के बारे में। तो अभी समय में कैप्टन अमेरिका 4 की शूटिंग लगभग खत्म होने वाली है, मगर एक फैंस ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कैप्टन अमेरिका 4 के शूटिंग पर पाया है और इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाले आयरन मैन है वो कैप्टन अमेरिका 4 में अपना एक कैमियो देने वाले हैं। अब इस मूवमेंट पे फैंस के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाले आयरन मैन का तो डेथ हो गया है एंड कैप्टन अमेरिका 4 कोई मल्टीवर्स मूवी भी नहीं होने वाली है, वो तो एक पॉलिटिकल मूवी होने वाली है, तो हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर कैप्टन अमेरिका 4 में कैसे दिखेंगे। तो देखो, कहा ऐसा गया है कि जो हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन है वो हमें कैप्टन अमेरिका 4 के लास्ट में दिखेगा, जहां पर अपना टोनी स्टार्क को स्पोर्ट कार चला रहा होगा और उधर पे थंडरबोल्ट रॉस उससे मिलने आएंगे। तो ये सीन कोई पास्ट का सीन होने वाला है एंड पास्ट के सीन में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दिखाया जाएगा तो कोई कंप्लेन भी नहीं रहेगी एंड ये टाइम प्रोबेबली आयरन मैन 2 का हो सकता है, क्योंकि उस समय ही टोनी स्टार्क का कैरेक्टर स्पोर्ट्स कार ज्यादा चला रहा था एंड थंडरबोल्ट रॉस को अपने आयरन मैन से कुछ काम होगा एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग, इसलिए वो उससे मिलने आया होगा। मगर ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे RDJ है वो किसी और मूवी के कैमियो शूट में आए हो एंड मार्वल वाले चाहते हो कि फैंस को ना पता चले, इसलिए वो किसी और मूवी का कैमियो पहले ही शूट करवा ले रहे हैं। मगर इन सब से ये चीज तो कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो RDJ वाला आयरन मैन है वो MCU में वापस आ सकता है। और मैंने आपको इतनी अच्छी खबर सुनाई है तो इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है एंड ध्यान से देख लेना, जिसका जिसका बेल आइकन ऑल पे सेट नहीं है वो ऑल पे सेट कर लेना। तब तक के लिए मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।